संसार में हम सभी के जीवन में कुमति होती, दोष बुद्धि होती है। पितामह भीष्म क्या कह रहे हैं यहां पे? स्वजन वधा विमुखस्य दोष बुद्धिया कुमति महर्दात्म विद्याया। ना, इस संसार में हम सभी जीवों के बुद्धि में दोष होती है, हमारी मति कुमति हो जाती है। पितामह कहते हैं कि उस समय अर्जुन के बुद्धि में दोष उत्पन्न हुआ, उसमें इनकी मति जो है सो कुमति बन गई, लेकिन भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से क्या हुआ? कुमति महर्दात्म विद्याय, कुमति महर्दात्म विद्या चरण रति परमश्य अस्तु। कृष्ण की कृपा से उस समय उसकी जो कुमति है, जो दोष बुद्धि है, जो कुचित बुद्धि थी, जो कस्मलित बुद्धि थी, कृष्ण ने उस अर्जुन की कुमति को, दोष बुद्धि को, कुचित बुद्धि को किससे? गीता का उपदेश दे, आत्मविद्या, कुमति महर्दात्म व आत्मविद्या भगवत गीता प्रदान करके भगवान कृष्ण ने उनकी बुद्धि। और यह भगवत गीता केवल अर्जुन की कुमति को दूर नहीं किया, यह भगवत गीता जो पढ़ेगा, यह भगवत गीता जब तक इस संसार में है और जब तक व्यक्ति से पढ़ेंगे, जो जो व्यक्ति इस भगवत गीता को पढ़ेगा उसकी कुबुद्धि कुबुद्धि जो है नष्ट हो, कुमति उसकी जो है सो नाश होती। भगवान ने एक कीट दे दिया, कुमति नाशक कीट। हाँ, तो व्यक्ति भगवत गीता पढ़ेगा, कुमति का नाश निश्चित होगा, निश्चित होगा। इसलिए हमें भगवत गीता पढ़ना ही चाहिए, पढ़ना ही चाहिए, डेली पढ़ना चाहिए। इसलिए तो हम लोगों ने शुरू किया, भाई प्रभु जी हम लोग घर पे नहीं पढ़ पाते हैं, घर पे नहीं पढ़ पाते, कोई नहीं, कोई बात नहीं, हम सभी भक्त लोग मिलकर ऑनलाइन श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं ना सब। डेली आइए, पढ़िए और अपने कुमति का नाश करिए। और इसके अलावा जगत के कितने बड़े भी प्रवचनकर्ता आपको आपकी बुद्धि का, आपके कुमति का, आपके दोष बुद्धि का नाश कर ही नहीं सकते। लिख के ले लो, लिख के ले लो, गारंटेड, नो वन कैन डू दिस। भगवत गीता के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, कहां जाएंगे आप? इसलिए अब देखिए ना, अर्जुन को कितना नॉलेज था, लेकिन फिर भी जब तक भगवत गीता नहीं सुना कि कुमति महर्दात कुमति का हरण नहीं हुआ, दोष बुद्धि का हरण नहीं। इसलिए भगवत गीता पढ़ना चाहिए। हरे कृष्ण।